हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, आज मैंने ये सिंपल मेकअप लुक क्रिएट किया है फॉर बिगनर्स। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस लुक से कुछ सीख सकते हैं और आप सिंपल लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। और आप बहुत सिंपल लुक है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और आपके मेकअप की फर्स्ट स्टेप रहती है। तो आप इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। और ये ऑल टाइम प्रो फेस स्कैंडर का ऑल टाइम प्रो फेस प्राइमर है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन सुगर कॉस्मेटिक का है, जो कि काफ़ी अच्छा और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और इसके साथ ब्रश भी आता है, तो आप इजीली इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने दूसरा ब्रश यूज़ करा है, आप उसमें जो ब्रश आता है उससे भी यूज़ करके देख सकते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट आता है, पर मैंने ये दूसरा ब्रश यूज़ किया है। और नेक्स्ट हम अपना कंसील करेंगे। तो ये कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल भी है। अगर आप बिगनर हैं और आपको एक अच्छा कंसीलर चाहिए तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसको मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पर अप्लाई कर लूँगी। मैं बस अंडर आई अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपने टिप ऑफ द नोज़ पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अंडर आई अप्लाई कर रही हूँ। और मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और अगेन ये बहुत अच्छा खासा कवरेज देता है आपको और बहुत स्मूथली ब्लेंड भी हो जाता है। तो आपको अफोर्डेबल रेंज में और क्या चाहिए। तो देखिए, बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। और उसके बाद हम करेंगे अंडर आइज़ को सेट। तो अंडर आइज़ को सेट करने के लिए लूँगी मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट, जो कि अफोर्डेबल रेंज अंडर 500 ही ये रहेगा। तो आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। और ये मेबलिन फिट मी की रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे इजली बाय भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। तो इसमें से मैं ये न्यूड शेड लेकर अपने आईज पे, जो आप मेरी आईलिड पे पूरे उस पर अप्लाई करूँगी, ताकि मैंने जो कंसीलर अप्लाई करा था उसमें कोई क्रीज लाइन ना पड़े। और मैं इसमें से रेडिश ब्राउन शेड लेकर विंग ड्रॉ करूँगी। मैं बस एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी और मैं कोई भी मैं आई लुक नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक विंग ड्रॉ करूँगी और वो भी रेडिश ब्राउन शेड का होगा। दैट्स इट। मैं आई मेकअप में और कुछ आई शेडोज में मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए, तो मैं इसको एकदम सिंपल ही रखना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई भी ड्रामेटिक लुक क्रिएट नहीं किया है। तो इसको हम दोनों आईज पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और बहुत ईजली भी हो रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आप नॉर्मल काजल या आपके पास अगर लाइनर है तो आप उसकी हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लूँगी हल्का सा ब्राउन शेड, जो कि इसी पैलेट में से है, तो उसके ऊपर भी हल्का हल्का सा मैं डैप कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा विंग लाइनर क्रिएट। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी आईब्रोज़ के लिए। तो ये ब्लू हेवन का जो न्यू लॉन्च हुआ है, ये एक पेंसिल फॉर्म में आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है, बहुत लाइट कवरेज है, पर अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ड्रामेटिक आईब्रोज नहीं पसंद है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और नेचुरल लुक देती हैं और ये भी समथिंग 80-85 के अंडर ही हैं, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो इससे मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। मैं कोई ओवर आईब्रोज़ को ओवर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जो भी मेरा ओरिजिनल शेप है मैं उसी पर अपना आईब्रोज अप्लाई कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे काजल। एले कलर का मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ। तो ये ब्लू शेड में है, ये डार्क ब्लू शेड है, और इसको मैं हल्का सा ही ड्रॉ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा ड्रामेटिक ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। और नेक्स्ट हम यहाँ पे मस्कारा के लिए लेंगे सुगर कॉस्मेटिक का मस्कारा। ये मिनी मस्कारा है और इसका जो ब्रश है ये मीडियम ब्रश है, तो इससे आपके आई लेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कोट होते हैं। और हाँ, ये वाटरप्रूफ नहीं है,
तो मैं इसको अच्छे से अपनी जो मेरे आई लैशेस हैं उनको अच्छे से कोट कर लूँगी। देखिए कितनी इजीली कोट हो रहा है। तो इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे लोअर लैश लाइन में भी और अपर लैश लाइन में। और लोअर लैश लाइन के लिए यहाँ पे मैं लूँगी जो ब्राउन शेड मैंने अप्लाई करा था उसी को हल्का सा स्मश कर दूँगी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और नेक्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं सुगा कॉस्मेटिक का ब्रॉन्ज़र, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट लुक देता है, सॉफ्ट लुक का ब्रॉन्ज़र है तो ये काफ़ी एकदम नेचुरल फ्लिस देता है आपके फेस को। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, मैं अपनी जो लाइन पर भी अप्लाई करूँगी क्योंकि ऑफकोर्स आपको ज़रूरत है या नहीं है आपकी चॉइस है, अगर आपको नहीं है तो आप मत कीजिए। तो मैं यहाँ से अच्छे से अपनी जो लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी और मैं अच्छे से अपनी नोज़ को भी हल्का सा नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो आप मत करिए, ये टोटली ऑप्शनल है। मुझे हल्का सा नोज़ कॉन्टोर करना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। और नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए अगेन मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्लश ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूद है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एकदम नेचुरल फिनिश देता है। तो ये भी अफोर्डेबल रेंज में है, अगर आप देना है तो आप इसको भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। और देखिए कितना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, मैं अपने चिक्स पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और मैं हल्का सा इसको अपनी नोज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि हल्का सा जो एकदम पिंकी पिंकी लुक आए। और अगेन मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए ले रही हूँ सुगा कॉस्मेटिक का हाइलाइटर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस। तो ये पूरा जो सेट है ये अफोर्डेबल रेंज में ही अंडर 500 के है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और मैं हल्का सा अपने आईलिड पे भी अपनी ब्राउन बोन के नीचे अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा हाइलाइटिंग इफेक्ट मुझे मिले। तो ये देखिए कितना ग्लोइंग और ड्यूई फिनिश दे रहा है। और लिपस्टिक के लिए यहाँ मैं अप्लाई करूँगी ये दो शेड जो कि मेबेलिन न्यूयॉर्क के हैं। तो यहाँ पर मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ, शायद शेड 9 और शेड 7 या 10 में से कोई से हैं। तो इनमें मैं अप्लाई करूँगी दोनों शेड जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ये भी अंडर 500 रुपीज़ के हैं। तो अगर आप को ये लुक अच्छा लगे और आपको अगर अंडर 500 रुपीज़ के एक किट में अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर वीडियो बना सकती हूँ, अंडर 500 रुपीज़ की पूरी मेकअप किट फॉर बिगनर्स या ब्राइडल कुछ भी आप अगर आप अफोर्डेबल रेंज में चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आप ब्राइडल के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी और अच्छे ब्रांड का भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इससे मैं अच्छे से पूरे लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी और यहाँ पर मैं सेटिंग स्प्रे के लिए लूँगी स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। तो अपने फेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं कर लूँगी अपने फेस को सेट। तो गाइस हमारा लुक कंप्लीट है। तो ये लुक आपको कैसा लगा? अगर ये लुक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करोगे, वरना मेरे जो न्यू अपडेट्स हैं, मेरे जो न्यू वीडियोस हैं वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो खुश रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।